हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं आज की हमारी ट्रिप में क्या खास रखा है। आज की हमारी ट्रिप फिर से नेशनल पार्क ही होने वाली है। इसी को अपन लोग अभी जो है ना कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? किसको? नेशनल पार्क को। ओके चलो, तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 7 मिनट ट्रिक्स पे। जैसा आप सभी को पता है कि 7 मिनट ट्रिक्स पे डेली सुबह और शाम में 7 बजे जो है आपको 7 मिनट की एक ट्रिक मिलती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती है, जीके, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? सारी सब्जेक्ट्स की आपको 7 मिनट की ट्रिक मिलती है जिससे आप लोग चीज़ों को मेमोराइज कर सको। अभी तक हम लोगों ने जो है सदर्न स्टेट्स कवर किए हैं कुछ, और अब आज अपन लोग देखने वाले हैं नेशनल पार्क कहाँ कहाँ के, MP, छत्तीसगढ़ और गुजरात, ठीक है? तो अभी हम लोग फिलहाल इन पे फोकस करते हैं, देखेंगे कि इनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं और इनको याद रखने का क्या तरीका है, यानी कि हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए कि हम इन्हें एक बार में याद कर ले। ओके देखो, फिर मैं कहूंगी बहुत सारे ट्रिक्स ऑलरेडी आप लोगों को मिल रखे हैं, तो आप लोग जहां कंफर्टेबल फील करते हो, जहां आपको लगता है कि आपको अच्छे से याद हो रहा है ना, वहां पे आप लोग स्टक किया करो और चीजों को ध्यान रखा करो, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट विल बी MP, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। ओके चलो, सबसे पहले अपन देख सकते हैं छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क। ओके सो हाउ मेनी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आर देयर इन छत्तीसगढ़? वी कैन सी इंद्रावती, कांगर वैली एंड गुरु घासी। अच्छा, बहुत आसानी से याद हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ के जो नेशनल पार्क है वो बहुत कम है, तो हमारे लिए बहुत ईजी बन जाता है क्योंकि उनको याद करना, उनको मेमोराइज करना आसान होता है। कई कई बार तो बच्चों को इतना याद रहता है कि इवन दे डोंट नीड एनी ट्रिक। लेकिन फिर मैं आपसे बात करती हूँ तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो वहाँ के लिए एक मस्ट हो जाता है। चलो, अब जिन्हें ये नाम नहीं याद हो रहे हैं, थोड़े से वियर्ड लग रहे हैं, नहीं याद हो रहे हैं, हम कैसे याद करें, वो लोग ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है? ट्रिक हमारी क्या है छत्तीसगढ़ की? गुरु ने इंद्रावती और कंगना को घास भी नहीं डाला, ठीक है? गुरु ने इंद्रावती और कंगना को घास भी नहीं डाला। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो गुरु और घास को थोड़ा जुदा कर दिया गया है, तो इनकी जुदाई से परेशान मत होना। जब एक साथ में आप लोग पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये परेशान करने वाली चीज है। गुरु और घास को हमेशा साथ रखना चाहिए, ये मिला के बनाते हैं आपके गुरु घासी। और मुझे आ गई खांसी। फिर इंद्रावती, तो इंद्रावती नेशनल पार्क जैसा हम लोगों ने देखा था, ठीक है? और इसके अलावा कंगना, ठीक है? कंगना किसके लिए है? कांगर वैली। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। गुरु ने इंद्रावती और कंगना को घास भी नहीं डाला। जब गुरु और घास एक साथ में आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए गुरु घासी, ठीक है? चलो, इसके अलावा इंद्रावती और कांगर वैली, ये 3 नेशनल पार्क हमने याद कर लिए। कहाँ के? ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के। अगले पे मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुजरात नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क बहुत ही मशहूर है एशियाटिक लायंस के लिए, ठीक है? ये माना जाता है यहाँ पे ये अडोब है एशियाटिक लायंस का। अभी पिछले समय में लगभग इनकी जो संख्या है उसमें 29% तक की वृद्धि भी देखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है पिछले 5 सालों में, ठीक है? अब जरा देखते हैं इनको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। ओके, 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मिल रहे हैं, वंसदा, ब्लैकबक, गिर, मरीन। याद करने का क्या होगा हमारा तरीका? वंदना और मैरी ब्लैकबक पकड़ते वक्त गिर गई, ठीक है? वंदना और मैरी ब्लैकबक पकड़ते वक्त गिर गई। वंदना से हमें क्या याद रहेगा? वंसदा। मैरी से क्या याद रहेगा? मरीन। ब्लैकबक से तो ब्लैकबक याद रहेगा, और गिर से गिर नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये हमने किसका देखा? ये हमने देख लिया गुजरात का। अब जरा अगले पे मूव करते हैं, मध्य प्रदेश प्रदेश नेशनल पार्क। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क आप लोग देख सकते हो, बांधवगढ़, फॉसिल, पन्ना, माधव, पेंच, संजय, सतपुरा, कान्हा। अच्छा, संजय गांधी नेशनल पार्क भी हमने देखा था, महाराष्ट्र का था, ये संजय है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, रखिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कहाँ के? ये है हमारे MP के। अब इन्हें याद कैसे करना है? संजय माधव कान्हा 5 साल से 7 घंटा डेली पन्नी में फॉसिल बांध के बेचते हैं। संजय माधव कान्हा 5 साल से 7 घंटा डेली पन्नी में फॉसिल बांध के बेचते हैं। तो संजय माधव कान्हा तो हमें याद ही हो गया। 5 से हमें क्या याद रहेगा? पेंच। 7 से हमें क्या याद रहेगा? सतपुरा। पन्नी से हमें क्या याद रहेगा? पन्ना। फॉसिल से फॉसिल, और बांध से बांधवगढ़, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो जाएंगे जो हमने देखे, और ये हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये तरीका होगा हमारा। देखो 8 थे, 8 ऐसे देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि यार करें तो कैसे करें, हो नहीं रहा है, कैसे होगा, लेकिन देखो हमने 8ों को कितने आराम से एडजस्ट कर दिया। एक दो बार आप लोग देखोगे और आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा। संजय माधव काना 5 साल से 7 घंटे डेली पन्ने में फॉसिल बांध के बेचते हैं। फॉसिल क्या होता है जनरल, आप लोग सोचो मिट्टी, मिट्टी सोच लो, ठीक है, ऐसे याद करके रखो, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, ओके। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आराम से ना ये चीज याद भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा जोर नहीं देने की होगी। भले 8 नेशनल पार्क थे लेकिन इनकी कहानी को याद रखो, बेचारे 5 साल से कितनी मेहनत कर रहे हैं, डेली 7 घंटे पन्ने में फॉसिल बांध के बेच रहे हैं। कौन कौन बेच रहा है? संजय माधव और कान्हा, ओके। और ऐसे हमने MP के भी नेशनल पार्क को याद कर लिया है, ओके। चलो होपफुली ट्रिक्स आप लोगों को जो है अच्छी लगी होंगी। देखो अगर आप लोग चाहते हो हमसे जुड़े रहना और अगर आप लोग मेरी क्लास अनअकैडमी पे चाहते हो तो सुष्मिता10 कोड यूज कर सकते हो। आपको इसमें जी के साथ साथ बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे क्या, सारी ही सब्जेक्ट, सारी फैकल्टी की मिलती हैं, ठीक है। तो अभी मेरी क्लास आपको बैंक में मिलने वाली है और SSC में, ओके। और इसके अलावा जो भी लोग हो, अगर आप लोग चाहते हो हमारी वीडियो से अपडेटेड रहना तो 7 मिनट ट्रिक्स को एक एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के लिए बेल जो आपको घंटा दिखता है बेल उसको दबा देना, ठीक है। चलो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो, ओके। और जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो एक एक बार क्या करोगे, एक एक बार शेयर कर दोगे। याद रखिएगा हमने आज कितनी नेशनल पार्क्स पढ़ी हैं, आज हमने 3 नेशनल पार्क्स पढ़ी हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को याद करने का तरीका याद रखिएगा फटाफट, एक बार ट्रिक को रिमेम्बर भी कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुरु ने इंद्रावती और कंगना को घास भी नहीं डाली, ठीक है। कौन कौन सी, गुरु और घास को हमेशा हमें साथ रखना है, गुरु ही घास नहीं डालते हैं किसको किसको, इंद्रावती और कंगना को, ओके। फिर ध्यान रखिएगा हमने अगला नेशनल पार्क किसका पढ़ा था, गुजरात का पढ़ा था। वंदना और मैरी ब्लैक बक पकड़ते वक्त गिर गए, वंस द मरीन ब्लैक बक गिर नेशनल फॉरेस्ट। और हमने पढ़ा है किसका, और हमने पढ़ा है MP का, संजय माधव काना 5 साल से 7 घंटे डेली पन्ने में फॉसिल बांध के बेचते हैं। संजय माधव काना, पेंच, सतपुरा, पन्ना, फॉसिल, बांधवगढ़, ओके। चलो तो ये हमारी आज की ट्रिक्स थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, लव यू पीपल, बाय बाय।